Hi everyone, this is Asish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hello everyone, now here we are with unitary method. It is our next topic in chapter 8. Already in my videos, I explained to you about ratio and proportion. Now we are going to discuss about unitary method. It is a common method when you are given the values for some quantity and you are asked to find the values for another quantity, then you will have to use unitary method. And it is a certified method that is that you are using from class 3rd or 4th, I think. सो इट इज़ वेरी फेमिलियर टू यू. ये यूनिटरी मेथड जो है ये आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं अपनी क्लासेस में, तो ये आपको अच्छे से पहले से ही आता होगा. फिर भी अभी जो एग्जाम्पल्स हमारे आएंगे उसके थ्रू हम इसको पूरा आपको डिस्कस करेंगे. यू हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी मैथड इन क्लास 6th में आपको यूनिटरी मैथड का कॉन्सेप्ट बताया गया. द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग फर्दर. और अब जो आपको एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करेंगे. सो ये लाइन भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं, इसको नहीं छोड़ेंगे हम. द मैथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अ क्वान्टिटी बाई फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द यूनिट क्वान्टिटी इज कॉल्ड यूनिटरी मैथड. तो यूनिटरी मैथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड में हम पहले फाइंड करते हैं, अगर हमें कोई भी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है एक क्वांटिटी के लिए, तो उसके लिए हम फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द यूनिट क्वांटिटी, सबसे पहले यूनिट क्वांटिटी के लिए उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. इसी मेथड को हम यूनिटरी मेथड बुलाते हैं. अब देखिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू कैसे समझेंगे. हियर इट इज़ गिवन एग्जांपल 1. आई एम गोइंग टू शो यू. 12 बैग्स ऑफ व्हीट वे 90 kg. मतलब हमारे पास 12 बैग्स हैं वीट के. वीट आप जानते होंगे गेहूँ, उसका वेट 90 kg है. हाउ मच विल 20 बैग्स वे? 20 बैग्स अगर ऐसे ही ले लिए जाएं तो उसका वेट कितना होगा? तो बहुत आसान होता अगर हमको दिया होता कि वन बैग जो है हमारे पास उसका वेट कितना है इफ़ वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ द वेट फॉर वन बैग. तो इट विल बी क्वाइट ईजी. अगर एक बैग के लिए मुझे दिया होता तो 20 बैग्स के लिए फाइंड करने के लिए मैं बस मल्टीप्लाई कर देता. और ये भी बहुत आसान है कि अगर 12 बैग्स के लिए दिया होता और वन बैग के लिए पूछा होता आपसे, देन यू विल हैव टू डिवाइड ओनली. अब 12 बैग्स के लिए आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट 20 बैग्स, दैट मीन्स इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर यूनिट वैल्यू, then we will have to do the division, and then we will go for the maximum value that is given in the question 20, and for this we will go for multiplication. How we are going to see this? 12 bags of wheat weigh 90 kg, yani 12 bags ka jo weight hai wheat ka wo hai 90 kg. Ab this is the sign of therefore. Therefore is supposed to use here कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वर्बाटिम्स का यूज़ करते हैं. तो ये जो वर्ड आया है, ये जो आपका देयरफोर है, ये आपका जो है एक तरीके से कंजंक्शन का काम करता है, सेंटेंस को ज्वाइन करेगा ये. देयरफोर वन बैग ऑफ वीट वे, अगर एक बैग, इसीलिए अगर एक बैग का हमको वीट का वेट निकालना हो, सो डेफिनेटली दिस 90 इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 12. And this is written in the book as 90 into 1/12 kg. 90 into 1/12 kg, that means we are going to divide 90 by 12. So it is to be solved here. ये हम solve यहाँ पर कर सकते हैं, we can do this. But if the numbers are given in the form that they are not going to be reduced completely, so we won't touch it here. हम इसको यहाँ पर touch नहीं करेंगे, इसको हम next में जाएंगे वहाँ पर solve करेंगे. Therefore, 20 bags of wheat weigh 90/12 × 20 kg, and then we have got the value 150 kg, and this 150 kg for 20 bags.
तो आपने देखा कि सबसे पहले जब 12 बैग का वेट हमको दिया था, उसके बाद 1 बैग का वेट हमने फाइंड किया फॉर मीनिंग इट सिंपल टू अस, ये हमारा सिंपल हो गया उसके बाद। और उसके बाद जो भी हमारा वेट था 1 बैग का, दिस इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 20 फॉर फाइंडिंग द वेट ऑफ 20 बैग्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। एग्जाम्पल 2 दिया गया है, स्कूटर कंज्यूम्स 28 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन कॉन्वरिंग 2100 किलोमीटर, कवरिंग 2100 किलोमीटर। एक स्कूटर है जो 28 लीटर पेट्रोल उसको लगता है जब वो 2100 किलोमीटर्स को कवर करता है। हाउ मच पेट्रोल विल बी नीडेड टू, कितना पेट्रोल चाहिए होगा अगर वो कवर करेगा डिस्टेंस ऑफ 3600 किलोमीटर। तो अगर हमको ये पता होता कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो हम 3600 किलोमीटर के लिए मल्टीप्लाई कर देते। फॉर एग्जैक्टली फाइंडिंग फॉर 1 किलोमीटर वी विल हैव टू यूज़ यूनिटरी मेथड, एंड दैट आई एम गोइंग टू शो यू ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ लुक एट दिस हियर, सॉल्यूशन इज गिवन फॉर यू। 2100 किलोमीटर कैन बी कवर्ड इन 28 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, सो देयरफॉर वी आर फाइंडिंग फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कैन बी कवर्ड इन 28 इंटू 1 अपॉन 2100, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 28 डिवाइडेड बाई 2100 लीटर्स। एंड बट वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट हियर, क्योंकि इसको हम यहाँ सॉल्व नहीं करते हैं यूनिटरी मेथड में। जब हम लास्ट में पहुँच जाते हैं तो सॉल्विंग एट द लास्ट दैट विल बी ईजी फॉर अस, जो हम सॉल्व करेंगे लास्ट में तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए। Therefore, 3600 किलोमीटर कैन बी कवर्ड इन 28 अपॉन 2100 इनटू 3600। तो जो 3600 किलोमीटर है कैन बी कवर्ड, वो कवर किया जा सकता है 28 अपॉन 2100 इनटू 3600 लीटर्स में। अब इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू 48 लीटर्स। यहाँ पे 1 किलोमीटर में जो भी वैल्यू था हमारे पास, उसको 3600 किलोमीटर्स के लिए ओनली वी हैव मल्टीप्लाइड विद 48, ठीक है। और तो नेक्स्ट वन एग्जांपल 3 है हमारा। 22.5 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज़ 1350, इतने मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो इतना है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 6 होल 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो जो 6 होल 3/4 मीटर क्लॉथ होगा उसका कॉस्ट कितना होगा। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी बॉट फॉर रुपीज़ 765, और रुपीज़ 765 में हम कितने मीटर क्लॉथ खरीद सकते हैं। टू क्वेश्चंस इन अ सिंगल स्टेटमेंट, हाउ वी विल सॉल्व इट जस्ट सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर में वी विल हैव टू फाइंड द कॉस्ट। व्हाट इज़ द कॉस्ट, तो कॉस्ट को फाइंड करना है डेफिनेटली। जो चीज़ फाइंड करनी होती है दैट विल बी ऑन द राइट साइड, ये हमारा राइट साइड पे रहेगा, आप देख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 22.5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1350। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, दैट इज़ 1350 अपॉन 22.5। दिस नंबर इज गोइंग टू डिवाइड दिस नंबर बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी अपसाइड, सो ये डिवीज़न में जाएगा। एंड आफ्टर दैट देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 6 होल 3/4 मीटर, ये हमारा क्वेश्चन था। और यूनिटरी मेथड में जो 1 का वैल्यू आया था उससे हम लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम एंड एग्जैक्टली वी हैव गॉट 405 बाई डूइंग द कैलकुलेशन हियर। इस कैलकुलेशन को करके हमको 405 मिलेगा। सेकंड पार्ट इसका देखिए, रुपीज़ 1350 इज़ द कॉस्ट ऑफ 22.5 मीटर ऑफ क्लॉथ, ये जो कॉस्ट है वो 22.5 मीटर क्लॉथ की है। Therefore, at first we are going to find rupees 1 के 1 रुपए में, यानी 1 रुपीस में, 1 रुपी जो कॉस्ट होगी उसमें कितना कपड़ा आएगा। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 22.5 अपॉन 1350, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 22.5 इंटू 1 अपॉन 1350 मीटर ऑफ क्लॉथ। बट हियर इन दिस सेकेंड लाइन वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट कम्प्लीटली बिकॉज इन यूनिटरी मैथड वी विल सॉल्व इट एट द लास्ट। And the third number, third line, because it was fined, it was asked by the question that rupees 765 will be the cost of how much cloth? ये जो cost होगी ये कितने cloth की होगी, तो उसको मैंने लिखा rupees 765 is the cost of, जो भी हमारा ऊपर आया था 1 rupees के लिए
उसको मैंने 765 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन ओनली वी विल कैलकुलेट इट एंड गेट द वैल्यू फॉर दिस नंबर दैट इज़ 12.75 मीटर। तो एग्जैक्टली ये आपके क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपका यहाँ पर पैटर्न बताया गया, व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स, इस एग्जांपल्स के थ्रू आपको कौन सा पैटर्न आपने अपनाया, तो वो पैटर्न यहाँ पे ज़रूर दिया गया है बट आई डोंट प्रेफर दिस पैटर्न। मैं आपको बोलूँगा ये नेक्स्ट क्लास जो आपकी 8th क्लास आएगी उसमें ये पैटर्न को हम प्रेफर करना सीखेंगे, इन दिस क्लास वी आर नॉट गोइंग टू प्रेफर इट। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ यूनिटरी मेथड एग्जांपल। और इस क्लास में हम यूनिटरी मेथड को प्रमोट कर रहे हैं, वो हमारा चैप्टर में है, टॉपिक है, सो वी विल ओनली अप्लाई द यूनिटरी मेथड फॉर सॉल्विंग अवर क्वेश्चंस दैट आई शोड यू हियर। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव अनदर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 4, दैट 280 शीट्स ऑफ पेपर आर 3.6 सेंटीमीटर थिक, हाउ थिक वुड 630 ऑफ दीज शीट्स बी एंड हाउ मेनी शीट्स वुड बी 2.7 सेंटीमीटर थिक। तो ये अभी ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से हम एक ही स्टेटमेंट के लिए दो चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। एग्जैक्टली इट इज़ द सेम एंड आई एम गोइंग टू शो यू द सॉल्यूशन एट द नेक्स्ट पेज। ओके चिल्ड्रेन, सो दिस इज़ सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन। इन दिस वन वी नीड टू गेट द सेंटीमीटर थिकनेस, सो द शीट्स ऑफ पेपर और द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर विल रिमेन टू द लेफ्ट एंड थिकनेस शुड बी एट द राइट। सो वी विल राइट 280 शीट्स ऑफ पेपर आर 3.6 सेंटीमीटर थिक। ओके, एंड देयर फोर वन शीट ऑफ पेपर, 280 के लिए आपको थिकनेस दिया गया है तो वन शीट के लिए निकालेंगे, वन शीट ऑफ पेपर इज 3.6 इंटू 1/280 सेंटीमीटर, देयर फोर 630 शीट्स ऑफ पेपर, तो जो 630 शीट्स है पेपर का वो उसका थिकनेस निकालने के लिए व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ पेपर, 3.6 अपॉन 280 एंड 3.6 अपॉन 280 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई 630 एंड बाई द कैलकुलेशन वी विल गेट द आंसर 8.1 सेंटीमीटर। सेकेंड वन इज गिवन ऑल्सो, 3.6 सेंटीमीटर इज़ द थिकनेस ऑफ 280 शीट्स, सो दिस इज़ द थिकनेस गिवन फॉर 280 शीट्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द थिकनेस, वी आर गोइंग टू फाइंड दैट 2.7 सेंटीमीटर थिकनेस बिलोंग टू हाउ मेनी शीट्स। सो शीट्स, नंबर ऑफ शीट्स शुड बी एट द राइट साइड, 3.6 सेंटीमीटर इज़ द थिकनेस ऑफ 280 शीट्स, therefore 1 सेंटीमीटर यानी जो 3.6 था उसका 1 के लिए वैल्यू निकाला गया, 1 सेंटीमीटर इज द थिकनेस ऑफ 280 इंटू 1/3.6 दैट मीन्स 280 अपॉन 3.6 एंड द नेक्स्ट therefore 2.7 सेंटीमीटर इज द थिकनेस ऑफ 280 अपॉन 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.7, जो भी हमारा 1 सेंटीमीटर के लिए आया था दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2.7 इन दिस लाइन and exactly by the calculation we will get the answer 210 sheets. Now this will be our last example, example number 5, 26 cartons of 15 chocolates each cost rupees 2145, find the cost of 40 cartons of 18 chocolates each. अब इसमें देखिए यूनिटरी का ये एक मैं कह सकता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें दो चीज़ों को कंबाइन किया गया, 26 कार्टन्स दिए गए और 15 चॉकलेट हर एक में हैं, तो अभी हमको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल चॉकलेट्स का कॉस्ट कितना है और एग्जैक्टली टोटल चॉकलेट्स का कॉस्ट हम फाइंड कर लेंगे। देखिए नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स इन वन कार्टन 15, तो नंबर ऑफ़ चॉकलेट 26 कार्टन में कितनी होगी, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया गया एंड वी गेट 390। उसी तरह जो बाद वाला दिया गया है इसके स्टेटमेंट के लिए, वन कार्टन में 18 चॉकलेट हैं तो 40 कार्टन यहाँ पे दिया है, 40 कार्टन के लिए फाइंड किया गया 720। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट 390 चॉकलेट कॉस्ट रुपीज़ 2145। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया कि 390 चॉकलेट का कॉस्ट है 2145 और हमको 720 चॉकलेट का कॉस्ट यहाँ पर बताना है, तो वी विल यूज़ द यूनिटरी मेथड।
कॉस्ट ऑफ 390 चॉकलेट्स 2145, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिवाइड 2145 बाई 390 एंड फॉर द नेक्स्ट लाइन देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 720 चॉकलेट्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द नंबर दैट वी फाइंड इन द प्रीवियस लाइन बाई 720 व्हेन वी ऑपरेट इट वी विल गेट 3960 सो द चॉकलेट 720 चॉकलेट कॉस्ट रुपीज़ 3960 और हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 40 कार्टन्स ऑफ 18 चॉकलेट इज़ 3960 रुपीज़ सो इट वॉज यूनिटरी मैथड नाउ यू विल हैव टू अटेम्प्ट एक्सरसाइज 8C एंड देयर आर 12 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज यू विल हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस एंड इफ यू विल find any problem or you will face any problem ask us easy to ask us children क्योंकि आप आराम से question पूछ सकते हैं अगर कोई problem हो question बन जाते हैं अच्छी बात है कोई भी problem होने पर या answer mismatch होने पर आप उसको हमारे school portal पर पूछ सकते हैं okay children take care of yourself and your family we will meet in the next video bye